Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है वीवो वाई 33s। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस फोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन में कोई भी गेम वगैरह या फिर कोई भी एप्लीकेशन ऐसी है जो आप अपने डेस्कटॉप पर शो नहीं कराना चाहते, उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं। करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है यू लॉन्चर, तो मतलब आपको इस फोन में एक लॉन्चर इंस्टॉल करना होगा जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको ये सेटिंग करनी है और कैसे आप एप्लीकेशन को हाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यू लॉन्चर को सबसे पहले डिफॉल्ट लॉन्चर में हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो जाएगा और डायरेक्ट हम इसको लॉन्चर को ओपन करा लेंगे। अब क्या करना है, आपको बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको बीच वाले बटन इसको प्रेस करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यू लॉन्चर, इस पर आप एक बार सेलेक्ट कर दीजिए। तो हमारा ये यू लॉन्चर है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब इसको ऑलवेज ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, अब इसको ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपके बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम बताते हैं आपको कैसे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे हाइड करना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल आपको क्या करना है, टू फिंगर लेना है, टू फिंगर से आपको पिंच आउट इस तरीके से करना है। पिंच आउट करते ही फ्रेंड्स आपको हाइड एप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक एक्सेस कोड यहाँ पे बनाना है जिसको आप डाल के अपने एप्लीकेशन को हाइड एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो आप कोई भी एक्सेस कोड यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी एक्सेस कोड बनाना है इस तरीके से यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का आइकन ऊपर की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपने गेम वगैरह अगर इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको यहाँ पे आने के बाद देख लीजिए, जो भी आपका एप्लीकेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से उसको सेलेक्ट आपको करना है और ओके यहाँ पे कर देना है। जो भी आपके हाइड एप्लीकेशन होंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अब यहाँ से आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप पे आएंगे तो जो भी एप्लीकेशन अभी आपने वहाँ पे सेलेक्ट किए वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ कहीं भी। तो अब आप उनको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल आपको वही ट्रिक अपनाना है, टू फिंगर लेना है, पिंच आउट करना है इस तरीके से, और जो भी आपने एक्सेस कोड अभी बनाया था वो इस तरीके से डाल के ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से। नॉर्मल तरीके से आपका एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो जाएगा और उसको बहुत आसानी से आप यूज कर पाएंगे। डेस्कटॉप पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। सिंपल पिंच आउट करके आप पासवर्ड डाल के अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज करा सकते हैं हाइड एप्लीकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस फोन के अंदर बहुत आसानी से अपने एप्लीकेशन को हाइड करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।